कि आप ऐसी क्या तीन चीजें करो जिस चीजों से जो आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी भी लड़कों के लिए ज्यादा गली उड़े कि आप जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है उसको ऐसा फील होता है कि आप उसे प्यार नहीं करते, उसको आपके पर नेगेटिव थॉट आते, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, तो क्या करें? अपने वो रिलेशन को कौन से तरीके से ऐसा क्या करें कि लड़की आपसे बहुत प्यार करे, आपकी वाइफ, आपकी होने वाली बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है वो आपसे इतना प्यार कैसे करेगी, तो क्या करना है? तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते बोलूँगा कि आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। गाइस देखो क्या है, सबसे पहली बात कि जब आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड को तकलीफ होती है ना, वो रोती है, तो उसके आंसू पोंछो, उसको समझाओ, उसके डाउट को क्लियर करो, उसके साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करो कि आपको लगता है आप बहुत बिजी रहते हो पर थोड़े टाइम उसके लिए भी निकालो, उसके साथ में एक घंटा ही रहो पर उसको ऐसा फील कर रहा हूँ कि 24 घंटे की जो 24 घंटे आप साथ में स्पेंड करते ना वो एक घंटे में फीलिंग आनी चाहिए। एक घंटा आप ऐसे स्पेंड करो उसके साथ ना कि उसको फील आए, फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ हो, एक घंटा ही आप उसके साथ स्पेंड करते हो ना तो पूरा एक घंटा सिर्फ उसके साथ ही रहना है, उसके बारे में बात करना है, उसको हर चीज़ लाइफ के बारे में समझाना है कि आप जब तक अपने सामने पर्सन को जो आपका पार्टनर है आप उसको हर चीज़ समझाओगे नहीं तो आपका रिलेशन स्ट्रांग कैसे होगा? हर चीज़ समझाओ यार, समझाने से ना बढ़ता है प्यार, हर चीज़ समझाने से ना स्ट्रांग होती है, छुपाने से या उसको गुस्सा झगड़ा करने से ना कोई भी रिलेशन स्ट्रांग नहीं होता, तो ये चीज़ कभी नहीं करना। सेकेंड चीज़, कभी जितना हो सके ना आपकी वो गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ हो ज़्यादा करिए ना अपने प्यार का इजहार करा करो, हर बार उसको ऐसा जताया करो कि यार जो भी है वो वही आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन वही है। से क्या होता है, सामने पर्सन के अंदर एक फीलिंग जगी हुई रहती है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं किसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ लाइफ में, चीज़ बहुत मैटर करती है लड़की को, लड़कियों को ज़्यादा करके, कि उनको ऐसा अच्छा लगता है कि उनसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत वैल्यू करता है, बहुत केयरिंग बंदा है। उसको कभी ऐसा फील नहीं होता कि यार जो जिस पार्टनर के साथ वो रिलेशन में या शादी के बाद या शादी से पहले या जिनके साथ रिलेशन चल रहा है उनको कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता कि उनको समझ नहीं पा रहे हो आप। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने पर्सन को, उस लड़की को या आपकी वाइफ को कि आप उसको समझते नहीं हो। हर जो भी चीज़ है उसको जो करना है कभी रोको मत, कभी टोको मत, उस चीज़ों को समझो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या फीलिंग है। हर बार आप नेगेटिव थिंग लाओगे तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि सामने पर्सन खुश होकर नहीं होगा, तो ज़्यादा करके यही कोशिश करो ना कि उसकी मन में जो चीज़ है ना वो चीज़ उसको करने दो, रोको मत, क्योंकि देखो यार वो आपसे प्यार कर दिया, आपको नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? अब वो चीज़ बताती है फिर आप उस चीज़ पे झगड़े करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, अच्छी बात नहीं है ना। अरे यार उसकी भी कोई फीलिंग है तो उसके आपको क्या करना, उसकी केयर करना है। तो यार समझ सकते हो कि उसकी हर चीज़ों को समझो, लड़की को बहुत अच्छा लगता है। तो सेकेंड चीज़ हो गया, थर्ड चीज़, सबसे ज़्यादा चीज़, उसकी स्पेशल डे कभी मत भूलो। लड़की को बहुत पसंद आता है कि उनका स्पेशल डे कोई सेलिब्रेट करता है, उस डे को इतना अच्छा आप स्पेशल डे करो ना, सामने वाले पर्सन को बहुत फील होता है, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद है उनकी स्पेशल डे। देखो क्या होता है, हम लड़के भूल जाते हैं पर लड़की कभी नहीं भूलती उनका स्पेशल डे, तो वो ज़्यादा करके आप कभी भूलो मत। फोर्थ चीज़, लास्ट चीज़ है, ये चीज़ कभी मत भूलना, कभी भी आपके पास पर्सन को कभी रुलाना मत, आपकी गलती हो उसकी गलती हो यार बैठ के बातें करो, उसको रुलाओ मत, उससे झगड़े मत करो, जो शक मत करो, उसे आर्ग्यूमेंट मत करो। और आपको लगता है चारों चीज़ आप करके आपको लगता है कि आपका जो सामने वाले पर्सन वो खुश होगी, कभी नहीं खुश होगी, तो चार चीज़ कभी ज़िंदगी में मत करना। शक, झगड़ा, हर चीज़ एक रिलेशन में होती है बट क्यों करके वो सब चीज़ करके ना आपका रिलेशन है ना वैसे बॉन्ड नहीं बन पाता, तो ये गलती कभी मत करना। आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे ना, क्योंकि आप जब तक नहीं सोचोगे ना तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि आप जब तक ट्रस्ट नहीं रखोगे रिलेशन में यार भाई, तो रिलेशन आपका कैसे चलेगा? विदाउट ट्रस्ट कितना भी अच्छा रिलेशन हो ख़राब हो जाता है। तो सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट रखो यार, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, कुछ भी शक मत करो। ये आप सब चीज़ फॉलो करते हो ना यार, तो लड़की और लड़का आपके साथ दम लॉयल रहेगी, आपसे बहुत प्यार करेगी, आपके साथ बहुत खुश होगी, आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को क्योंकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।